राधे राधे को नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे अनमोल, बोलो राधे 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 को राधे 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 ओ श्याम राधे माधव राधे 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 को श्याम राधे नारी है अनसुईया, आप तो
पतिव्रता है ही, लेकिन वो महान पतिव्रता नारी है। अब पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि अनुसुईया मुझसे भी बढ़कर है। शंकर भगवान समाधि से जागे तो पार्वती ने झुक करके नम्रता से प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके झुक करके। शंकर भगवान समझ गए घर के आदमी बहुत बंधन करें, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बढ़िया अच्छी ढंग से बोले तो समझ लो गड्ढे में उतारने की तैयारी है। शंकर भगवान ने पूछा, देवी क्या बात है? पार्वती का महाराज किसी भी प्रकार अनुसुईया का पतिव्रत भंग नष्ट होना चाहिए, भंग होना चाहिए पतिव्रत धर्म, ऐसा काम करो। अरे देवी, जो दूसरों का बुरा करता है उसका ही बुरा होता है, इसमें हमारा कल्याण नहीं है, ऐसी बातें मत करो। लेकिन पार्वती नहीं मानी, नहीं महाराज करना ही पड़ेगा। हट पकड़ ली पार्वती ने, शंकर भगवान ने कहा कि देवी कोशिश करूंगा। उसके बाद नारद जी वैकुंठ में आ जाते हैं, वहां लक्ष्मी जी से मिले। लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद आज इतना प्रसन्न क्यों है, क्या बात है, बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। नारद जी कहने लगे, बोले माँ वैकुंठ की महिमा तो पहले से ही थी, लेकिन अब तो अनुसुईया के आश्रम के सिवाय कहीं भी जाने और आने की इच्छा नहीं होती, मैं उन्हीं के आश्रम से आ रहा हूँ। बोले अनुसुईया कौन है? जो महान पतिव्रता नारी है। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि आप कोई ऐसा काम कीजिए कि अनुसुईया का पतिव्रत धर्म भंग हो जाए। विष्णु भगवान कहते हैं, देवी मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर सकूं। ऐसा ही जाकर के नारद जी ने अपनी माता सावित्री से कहा कि अनुसुईया महान पतिव्रता स्त्री है। तो सावित्री ने भी ब्रह्मा जी से कहा, ऐसा है अनुसुईया का पतिव्रत धर्म भंग होना ही चाहिए। बोले ठीक है देवी, कोशिश करते हैं। इस प्रकार से तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश अनुसुईया के आश्रम में आ जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा दे ही। अनुसुईया भिक्षा लेकर के आती है। बोले नहीं, आप नग्न होकर के भिक्षा दें तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। अनुसुईया सोचती है, यदि नग्न होकर के भिक्षा दूंगी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि भिक्षा नहीं दूं तो घर पर आए हुए अतिथि का अनादर हो जाएगा और महापाप लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, अतिथि यश भग्नासु गृहापति निवर्तते तस्मै दुष्कृत्वा दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। यानी जिस घर से अतिथि निराश होकर के लौट जाता है, वो अपने दुष्कर्मों को उसे दे करके और उसके पुण्य कर्मों को लेकर के वो चला जाता है। इसलिए अतिथि का आदर सत्कार हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवता होता है, अतिथि देवो भव। घर में अतिथि आया हुआ है तो घर में चाहे अमृत ही क्यों नहीं हो, उसे अकेले नहीं पीना चाहिए। जिस घर में अतिथि का आदर सत्कार नहीं होता वो घर घर नहीं होता, शमशान के समान उसे बताया गया है। उस घर की चौखट पर भूल कर भी पैर पड़ जाए तो स्नान करना चाहिए, और जिस घर में अतिथि का आदर सत्कार होता हो वो घर घर नहीं है, वो तीर्थ है। उस घर की चौखट को केवल छूने से ही तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। जो गृहस्थ अतिथि को खिला करके उसके बाद खुद खाता है वो कभी भूखा नहीं सोता। जो व्यक्ति जाने वाले अतिथि की सेवा कर चुका है और आने वाले अतिथि का इंतजार करता है वो खुद देवताओं का अतिथि बन जाता है। देवता ये इंतजार करते हैं कि वो कब आएगा। तो बंधु, अनुसुईया ने कमंडल में से जल लिया, अपने पति का ध्यान किया कि मेरा पतिव्रत धर्म यदि सच्चा है तो ये तीनों देवता 6-6 महीने के बालक हो जाए। और छिड़क दिया देवताओं के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर। तो बंधुओं, पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है कि तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। ये मेरी माताओं के गौरव का इतिहास है।
इधर पार्वती सोच रही है, शिव जी सुबह भी गए हैं फिर भी अभी तक नहीं आए, क्या बात है। लक्ष्मी जी भी यही सोच रही है कि सुबह के गए हैं अभी तक नहीं आए। सावित्री भी यही बात सोचती है कि ब्रह्मा जी सुबह के गए हैं अभी तक नहीं आए। और तीनों ही देवियां अपने अपने पतियों को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ती है, और तीनों देवियां पार्वती लक्ष्मी और सावित्री चित्रकूट में आ जाती है, वहां उनको नारद जी मिल जाते हैं। बोले नारद इधर आओ। बोले नहीं माता जी, मैं आजकल एक अनुष्ठान कर रहा हूँ, मैं स्त्रियों से दूर रहता हूँ। बोले नहीं, हमारे पास ये बात पूछेगी, हम तुमसे यहाँ तो आओ। बोले क्या बात पूछनी है। बोले नारद, तुमने जो कुछ किया वो तो बढ़िया किया, लेकिन अब तुम ये बताओ हमारे पति कहाँ है। तो नारद जी कहने लगे कि पहले तुम ये बताओ कि अनसुईया बड़ी है या तुम बड़ी हो। तो तीनों देवियाँ कहती है, अरे महाराज, अनसुईया ही बड़ी है, लेकिन हमारे पतियों का कुछ अता पता तो बताओ। तो नारद जी कहने लगे कि हमने ऐसा सुना है कि आपके पति 6-6 महीने के बालक बन गए हैं और अनसुईया के आश्रम में खेल रहे हैं, पतिव्रता के चक्कर में फंस गए, जो पालने में पड़े पड़े बिल्ली की तरह न्याम न्याम कर रहे हैं 6-6 महीने के बालक बन गए। अब तो 15-20 वर्ष के जब हो जाएंगे तो माता अनसुईया का विवाह कर देगी, और तुम तो ये माला लो और भगवान का भजन करो। तीनों देवियाँ परेशान। देखिए बंधुओं, झूठों से जो ईर्ष्या करने वाला होता है ना, उनके मन को शांति नहीं मिलती। हमने बताया ना कि ईर्ष्या ऐसा दीमक है जो शरीर को खोखला कर देती है। उन्होंने अनसुईया से ईर्ष्या की। देवियां डरती है, सोचती है कि यदि हम वहां जाएंगे अनसुईया के पास में, अनसुईया कहीं श्राप दे देगी तो क्या होगा। नारद जी ने बताया कि नहीं, आप भले ही ईर्ष्या करें अनसुईया से, लेकिन अनसुईया आपसे ईर्ष्या नहीं करेगी, वो आपके प्रति सद्भाव ही रखेगी। आप तो एक बार चले जाओ। तीनों देवियां आश्रम पर अनसुईया के वहां पर आती है आश्रम पर, और दरवाजा खोलने को कहती है, दरवाजा खटखटाती है, तो वहां पर क्या देखती है कि अनसुईया देवताओं से अनेक प्रतिज्ञाएं करवा रही है। बोलो प्रतिज्ञा करो कि पति व्रता को कभी नहीं सताओगे, स्त्रियों को कभी कष्ट नहीं दोगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करोगे। इधर बाहर खड़ी खड़ी तीनों देवियों ने फिर दरवाजा खटखटाया। अनसुईया बोली कि कौन हो। तो देवियां कहती है, माता जी, हम आपकी बहुएं हैं, दरवाजा खोलो। तो बहू का नाम सुनते ही तुरंत अनसुईया ने दरवाजा खोला, तीनों देवियां अंदर आ गई। इतने में अत्रि ऋषि आ गए, बालकों को देख करके पूछा, देवी बालक कौन है। बोले महाराज जी, आपके ही बालक हैं। फिर पूछा, ये तीनों ये देवियां ये कौन है। बोले महाराज, ये तीनों बच्चों की बहुएं हैं ना। तो अत्रि कहते हैं, अत्रि ऋषि, मेरी बच्चे तो 6-6 महीने के, बहुएं 20-20 साल की, बच्चे 1-1 हाथ के, बहू 5-5 हाथ की, ये कैसे पार पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, बड़ी बहू बड़ी भाग। चलो ठीक है देवी। अब तीनों बहुएं अनसुईया से प्रार्थना करने लगी, माता जी, हमारे पति हमको वापस लौटा दो। बहुत आग्रह करने लगी, तो अनसुईया ने कहा कि भाई ले जाओ छाट छाट करके अपने अपने पति को। तो देवियां चक्कर में पड़ जाती है कि हमारा पति कौन सा है। तीनों एक तरह के, एक जैसे। बोली माता जी, कृपा करके उनको पहले जैसा बना दीजिए। अनसुईया ने कमंडल में से जल लिया, अपने पति का ध्यान किया कि मैं, मेरा पति व्रत धर्म यदि सच्चा है तो ये तीनों बालक पहले के जैसे बन जाए। तीनों बालकों में छड़क दिया, तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हो जाते हैं। तो तीनों देवता कहने लगे अनसुईया से कि माता जी, हम आपके आंगन में तीनों बालक बन करके खेलते थे, वो सुख हम आपको सदा सदा के लिए अवश्य देंगे। और इन तीनों देवताओं का तेज मिलकर ही चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय भगवान अत्रि के घर जन्मे। इस तरह आपने कर्दम ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन सुना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ